बहराइच जनपद के थाना नवाबगंज का पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा डॉक्टर जंग बहादुर यादव ने शासन के निर्देशानुसार थाना नवाबगंज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रमोद कुमार त्रिपाठी थाना प्रभारी निरीक्षक व थाने के पुलिस बल की सलामी के बाद कार्यालय में अभिलेखों का रखरखाव, सशस्त्र कारतूस का रखरखाव, आरक्षी बैरिक, मालखाना, महिला बाल डेस्क के अभिलेखों का जानकारी ली। फिर भोजनालय के संचालन, खानपान के बारे में जानकारी ली, जिस पर थाना प्रभारी निरीक्षक ने भोजनालय की विभिन्न कमियों से अवगत कराया एवं आरक्षी बैरकों की बरसात में छतों के रिसाव के बारे में भी जानकारी दी। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि थाने में निरीक्षण दौरान जो कमियां पाई गई हैं उसको उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर तब त्वरित निस्तारण करवा दिया जाएगा। निरीक्षण क्या है, निरीक्षण दौरान आपको कैसा क्या क्या व्यवस्था? देखिए, हम लोगों का ये ऊपर से गाइडलाइन होती है कि त्रैमासिक निरीक्षण किया जाए थाने का क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों को। उसी क्रम में आज मेरे द्वारा थाना नवाबगंज का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया है और काफ़ी कमियां मिली हैं, जिसको प्रभारी निरीक्षक साहब साथ में थे, उनको दिया गया कि समयबद्ध उसको सभी कमियों को पूर्ण कर लें। और इस निरीक्षण का यही उद्देश्य है कि जो भी कमी हो थाने के किसी रजिस्टर में या किसी शस्त्र के बारे में, उसके संबंध में गहराई से छानबीन कर और कार्रवाई किया जाए। निरीक्षण दौरान जो खामियां मिली हैं सर, इसको आप शासन को अवगत करा के क्या समस्या हल हो जाएगी? नहीं, इसमें हम अपने उच्च अधिकारी को रिपोर्ट देंगे, उसी पे हल हो जाती है, आगे भेजने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग समय रहते इसको निस्तारित करवा दिया जाए। सर, पहले भी निरीक्षण हो चुका है, ये जो बैरिक है रिसाव हो रहा था, इसके भी उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया, लेकिन निराकरण नहीं हुआ सर, इसके बारे में? इसमें मैं देखा हूँ, जो बैरिक बनी हुई है उसमें काफ़ी सीलन है और बाथरूम में भी गंदगी है। इस संबंध में जो भी कार्यदायी संस्था, उससे पत्राचार किया जाएगा। धन्यवाद।